बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 जो सेकंड सेमेस्टर की पास पेपर है 2020 का, उसे डिस्कस करेंगे और इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। सो फर्स्ट जिक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी का सिस्टम का फंक्शन होता है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर गैसेस एक्सचेंज टेकन प्लेस। सो गैसेस एक्सचेंज जहाँ पर होती है उसे हम कहते हैं एल्वोलाई। सो एल्वोलाई का जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम एल्वुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, उस मेम्ब्रेन से गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्वुलर मेम्ब्रेन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग ऑर्गन आर द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, क्योंकि बाकियों में देखो, नोज़ जो अपर रेस्पिरेटरी है, पेरिंग्स भी अपर रेस्पिरेटरी है, तो इधर भी पेरिंग्स है तो अपर रेस्पिरेटरी है। इधर देखिए, लेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कैल्सिटोनिन हमारे पास वो हार्मोन है जो ब्लड से कैल्शियम लेके जाता है बोन में, या बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। सो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे पास थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, विच इज़ द फर्स्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू रिसीव द ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। सो हमारे पास ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर पहले रिसीव करता है? तो हमारे पास है ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस के बाद आता है, और उस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनली, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो इसका सीक्वेंस आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज ग्लूकोज नॉट यूजुअली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ग्लूकोज नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता, क्योंकि ऑल फिल्टर ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब, क्योंकि सारा जो ग्लूकोज फिल्टर होता है वो हमारे पास रीअब्सॉर्ब होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन लोब्स रिगार्डिंग देयर फंक्शन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ब्रेन लोब का जो जिसका सामने जो फंक्शन लिखा है वो करेक्ट है? तो हमारे पास है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब का फंक्शन है विजन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। जो टेम्पोरल लोब है उसका फंक्शन होता है हेयरिंग, लर्निंग, फीलिंग। जो फ्रंटल लोब है उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट। जो पैराइटल लोब होता है उसका नॉर्मल फंक्शन होता है लैंग्वेज एंड टच। सो इनके सामने जो भी ऑप्शन है वो गलत है। जो हमारे पास सी है ऑसिपिटल लोब, उसके सामने विजन है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द मेनिंजीज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कनेक्टिव टिश्यू लेयर। सो मेनिंजी में कितने कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होते हैं? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, 3। जो मेनिंजीज होते हैं वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। जो आउटर मोस्ट है वो हमारे पास है ड्यूरामेटर, जो इनर जो मिडल है वो हमारे पास एरकनाइड मेटर, जो इनर मोस्ट है उसे हम कहते हैं पियामेटर। तो इसका सीक्वेंस भी याद रख लो। इसके एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि कौन सा आउटर से इनर की तरह सीक्वेंस आ सकता है, इनर से आउटर की तरह सीक्वेंस आ सकता है, कि कौन सा लेयर पहले है उसके बाद इसका सीक्वेंस भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व 4। क्रेनियल नर्व 4 का नाम क्या है? सो क्रेनियल नर्व 4 का हमारे पास जो नाम है वो है ट्रोक्लियर नर्व। सो सबसे पहले है वो है ऑल्फैक्टरी, फिर होता है ऑप्टिक, फिर ऑक्युलोमोटर, और फिर जो चौथा होता है उसे हम कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व। सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, ट्रोक्लियर नर्व हमारे पास 4 क्रेनियल नर्व है। क्वेश्चन नंबर 10, साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल मूवमेंट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सो साउंड वेव जब मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट होता है तो इस में कौन सा ऑर्गन
मेन रोल प्ले करता है, तो वो हमारे पास है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जैसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं। ये हमारे पास साउंड वेव को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे पास एक हार्मोन है, सही है, ये हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड है उधर से सिक्रीट होता है। तो इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन रिस्पॉन्स टू ACTH, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। जब एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हमारे पास रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये हमारे पास जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल सिक्रीट करवाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन का फंक्शन कौन सा है, सॉरी इंसुलिन, इंसुलिन का फंक्शन कौन सा है। सो इंसुलिन का फंक्शन हमारे पास है लोअर ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन जब सिक्रीट होता है ब्लड में तो ये हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करवाता है, और इसके अपोजिट जो हार्मोन है वो है ग्लूकागन, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हमारे पास है क्या, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करना और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करना। बाकी जो एपिनिप्रेन है, नॉर एपिनिप्रेन है, ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं, और ACTH हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन आर नाउन इज कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन किस हार्मोन को कहते हैं। सो कैटेकोलामाइन हमारे पास डिरेवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड से जो हार्मोन डिराइव हुए होते हैं उसे हम कैटेकोलामाइन कहते हैं, जिसमें एपिनिफ्रेन और नॉन एपिनिफ्रेन आते हैं। एपिनिफ्रेन और नॉन एपिनिफ्रेन को हम कैटेकोलामाइन भी कहते हैं, और ये अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं, और जिस अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं उसे हम कहते हैं टायरोसिन। ये भी याद रखें। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15, मेंस्ट्रुएशन अकर इन रिस्पांस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मेंस्ट्रुएशन तब अकर होता है जब हमारे पास डिमिनिश प्लाज्मा लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रिंसिपल हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटिनम। कॉर्पस ल्यूटिनम से हमारे पास जो हार्मोन मोस्टली सिक्रीट होता है ज़्यादातर वो हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन। जब ओवुलेशन हो जाती है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हमारे पास सिक्रीट होता है, जो यूटरस के लाइनिंग को बरकरार रखता है। जब ये प्रोजेस्टेरोन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन काज होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है डी। नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इजेक्ट बोथ सीमन एंड यूरिन। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सीमन और यूरिन दोनों को इजेक्ट करता है, तो हमारे पास है यूरिथ्रा। जैसे सीमन भी इजेक्ट होता है और यूरिन भी, बाकी जो तीनों स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सिर्फ सीमन क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द हार्मोन डेट इंक्रीज द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द सिम्पेसिस प्यूबस एंड कॉज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज विच वन अमंग द फॉलोइंग। सो हार्मोन जो हमारे पास सिम्पेसिस प्यूबिस को फ्लेक्सिबल बनाता है और सर्विक्स की डायलेशन करता है प्रेगनेंसी के दौरान, उस हार्मोन को हम कहते हैं रिलैक्सिन। सो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लेरिंजियल कार्टिलेज एपिक द पोजिशन एंड टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। सो ये हमारे पास जो कार्टिलेज होता है उसे हम कहते हैं एरिटिनाइट कार्टिलेज, जो एक ट्रायंगुलर शेप कार्टिलेज है और पेयर शेप में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेकिया डिवाइड एंड टू ब्रोंकाई एट विच लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रा। सो ये हमारे पास डिवाइड होता है पेप थोरेसिक वर्टेब्रा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 21, What does the diameter of the bronchiole determine? So bronchiole का जो diameter है वो determine होता है airflow to the alveoli से। So इसका जो correct option है वो हमारे पास है C, airflow to the alveoli।
Question number 22. Collecting duck drain urine into which of the following structure? So collecting duck से हमारे पास urine आगे की तरफ जाता है किधर? Papillary duct में. B is the correct option. फिर papillary duct से minor calyx, फिr minor calyx से major calyx, इस तरह flow होता है urine. So इसका जो correct option है वो है B, papillary duct. Question number 23. What happen if intra प्लूरल प्रेशर इक्वल आर एक्सीड्स इंट्रा पल्मोनिक प्रेशर? अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ जाए इंट्रा पल्मोनिक प्रेशर से तो हमारे पास क्या होगा? तो फिर हमारे पास लंग्स कोलेप्स हो जाएंगे. सो हमारे पास जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है, द लंग्स विल बी कोलेप्स. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मेनी फेसेस ऑफ कार्टिलेज टिश्यू आर देयर इन द लेरिंग्स? लेरिंग्स में हमारे पास कितने पीस ऑफ कार्टिलेज मौजूद होते हैं? तो लेरिंग्स में हमारे पास ये टोटल 9 होते हैं. 3 पैर पाम में होते हैं और 3 अन पैर पाम में होते हैं. जो 3 पैर पाम में है वो हमारे पास इरिटिनाइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिपाम. जो हमारे पास 3 अन पैर पाम में है वो है थायराइड, क्राइकाइड, एपिग्लोटिस. सो इस तरह 9 कार्टिलेज मौजूद होते हैं, इनके नाम भी याद रखें. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट डज मिक्चुरेशन रेफर टू? मिक्चुरेशन किसे कहते हैं? सो मिक्चुरेशन हमारे पास द एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग, यूरिनेशन के जो प्रोसेस है उसे हम मिक्चुरेशन कहते हैं. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में यूरिनरी ब्लैडर की एवरेज कैपेसिटी क्या है? तो ये हमारे पास है 800 मिलीलीटर. क्वेश्चन नंबर 27. कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन इज फैसिलिटेटेड बाय विच हार्मोन? सो जो हार्मोन हमारे पास ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में डिपॉजिट करता है उस हार्मोन को हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करवाता है. और इसके अपोजिट पैरा थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करवाता है. पैरा थार्मोन ये कैल्शियम को ब्लड बोन से वापस ब्लड में लेके आता है. सो ये भी इसमें डिफरेंस है, ये भी याद रखें. क्वेश्चन नंबर 28. इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर विच सेल आर इन्वॉल्व? ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है? तो उसमें हमारे पास वो सेल इन्वॉल्व होता है जो माइक्रोग्लिया सेल में सबसे लार्जेस्ट है और सबसे एबंडेंट में, सॉरी न्यूरोग्लिया सेल में सबसे लार्जेस्ट है और एबंडेंट सेल है, वो हमारे पास है एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में मदद देता है. सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 29. विच प्ल्यूट सराउंड द ब्रेन टू प्रोटेक्ट इट? ब्रेन के इर्द गिर्द जो प्ल्यूट होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल प्ल्यूट, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करवाता है और इसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड को भी. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स किस क्रेनियल नर्व का फंक्शन है? तो हमारे पास ट्रिजेमिनल नर्व का फंक्शन है, जो 5th नंबर नर्व है. और जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है इसे हम आईलेड रिफ्लेक्स या कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. विच आई स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन अ पर्सनस आई कलर? पर्सन आई कलर किस स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होता है? तो हमारे पास आई, आई हमारे पास कलर पुल पार्ट है जिससे हमारे पास आई का कलर डिटरमाइन होता है. क्वेश्चन नंबर 32. इंसुलिन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ विच हार्मोन्स? सो इंसुलिन हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है. 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, तो ये हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीन ल्यूब्रिकेट एंड मोइस्ट द आई बाल? सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टीयर्स. टीयर हमारे पास हमारे आई बाल को ल्यूब्रिकेट भी करते हैं, क्लीन भी करते हैं और मोइस्ट भी रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. विच इंटर वर्टिब्रल स्पेस इज सेफली यूज फॉर द स्पाइनल टेप? सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 3rd एंड 4th लंबर वर्टिब्रा. स्पाइनल टेप को हम लंबर पंक्चर भी कहते हैं, तो इसके लिए जो सही प्लेसमेंट है वो हमारे पास है 3rd एंड 4th लंबर रीजन, जिसमें हम नीडल इंसर्ट करते हैं और लंबर पंक्चर करते हैं.
Question number 35. In which portion of the central nervous system is the micturition central located? Micturition central हमारे पास sacral in the sacral spinal cord में ये हमारे पास micturition center है जो S2 से S3 तक है. A S2 से S3 तक जो region है इसे हम कहते हैं micturition center. So इसका जो correct option है वो है option D in the sacral spinal cord. So यहाँ तक 35 क्वेश्चन हो गए. अगली वीडियो में हम 35 और बनाएंगे.